मैं अनिल कुमार यादव, विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्लास एट के विज्ञान में इकाई 5, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, इस पाठ में सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भाग 1 और भाग 2। इस भाग के अंतर्गत हम जीवाणु के बारे में, विषाणु के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज भाग 3 के अंतर्गत कवक के बारे में अध्ययन कराने चल रहे हैं। तो बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर जो चित्र आप देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये कवक का है। कवक को अंग्रेजी में फंगस कहा जाता है और इसे फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हम प्रायः अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की वस्तुओं पर उगते हुए देखते हैं। बच्चों, हमारे घर में रखा हुआ अचार खराब हो जाता है। जब वह खराब हो जाता है तो उसके ऊपर हम देखते हैं दही के समान, रुई के समान सफ़ेद रंग का पदार्थ हमको दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से घर में पड़ा हुआ अचार, रखा हुआ अचार खराब हो जाता है। वह सफ़ेद पदार्थ क्या है? कवक है। बच्चों, बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर उगने वाली छाते नुमा संरचना, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, बच्चों इस आकृति में हम देखते हैं छातेनुमा संरचना जो आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसे क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता कहते हैं। कुकुरमुत्ता के नाम से यह जाना जाता है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। बच्चों, कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। यानी कवक जो है हमारे लिए लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं। जैसे अब लाभदायक में क्या है? मशरूम। बच्चों, मशरूम का उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं, सब्जी बनाते हैं, यह भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, मतलब मशरूम जो कि एक कवक है, इसका सेवन हम किस रूप में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा यानी औषधि बनाई जाती है। तो ये तो हमारे लिए लाभदायक के रूप में, मशरूम और पेनिसिलियम, ये दोनों कवक जो है यानी भोजन के रूप में और पेनिसिलिन के रूप में हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि ये भोजन के रूप में हम सेवन कर रहे हैं, ये हमारे लिए औषधि है। और पक्सीनिया नामक कवक जो है गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। पक्सीनिया से गेहूं में रोग उत्पन्न होता है बच्चों, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो दो यानी मशरूम भोजन के रूप में और पेनिसिलियम नामक कवक से
पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है और ये पक्सिनिया हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि यह हमारी फसल गेहूं में जो है रोग उत्पन्न करता है। और बच्चों, मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, बच्चों मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। दाद किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। और कई बार सिर में दाद हो जाती है तो उसकी वजह से जो है व्यक्ति गंजापन भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से याद रखिए कि मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? दाद है। तो बच्चों, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।